पटाटोज। इसका साइंटिफिकली नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है जो हम जानते नहीं हैं। हम लोग ये बोलते हैं पोटैटो खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यस ये अच्छा नहीं है तब जब हम लोग पोटैटो ज़्यादा खा लेते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे एसेंशियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, जिसके वजह से यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अपने रेगुलर पोटैटो खाने से आपका शरीर में वाटर और आयरन सप्लाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटासियम रहते हैं जो हमारे शरीर के वाटर सप्लाई और आयरन सप्लाई के लिए हेल्प करते हैं, और इसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस रहते हैं, और इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। 100 ग्राम पोटैटोज में 17 mg, मतलब 17 mg विटामिन सी रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं पोटैटोज के 10 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो जानने के बाद आप लोग रेगुलर पोटैटो खाने शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला जो है प्रिवेंट हार्ट डिजीज। इसमें विटामिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहने से और इसमें कैरोटीनेट्स बोल के एक कंपाउंड रहते हैं जो हमारी शरीर के लिए बहुत ही अच्छे जरूरी होते हैं, जो हमारे हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जिसका ओबेसिटी है और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए पोटैटो खाना हानिकारक हो सकते हैं, मतलब हानिकारक तो है ही। तो डायबिटीज़ लोगों वाले और जो ओबेसिटी वाला लोग है वो पोटैटो मत खाइए। दूसरा जो बेनिफिट्स है ट्रीट डायरिया। ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, मतलब डाइजेशन ये अच्छे तरीके से हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और स्टार्च रहते हैं, इसके वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो ये डायरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करते हैं। लेकिन पोटैटो ज़्यादा खाने से डायरिया भी हो सकते हैं, तो पोटैटो ज़्यादा मत खाइए। तीसरा जो है ट्रीट किडनी स्टोन्स, मतलब ये इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाई प्रोटीन रहते हैं, आयरन रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, जो किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए और किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए मदद करते हैं। चौथा जो पॉइंट है प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज द स्किन, मतलब ये इसमें विटामिन सी रहते हैं, विटामिन बी रहते हैं, फॉस्फोरस रहते हैं, जिंक रहते हैं, तो इसके वजह से ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। और आप हनी के साथ मिला के आप पोटैटो के मतलब एक फेशियल पैक बना सकते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मदद करते हैं। पांचवा जो चीज़ है वह है एड इन वेट गेन। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट रहने से ये लीन थिन पीपिन के लिए, जो लीन थिन लोग हैं, रोगा पतला जो लोग हैं, तो इनके लिए एक कार्बोहाइड्रेट वेट गेन करने के लिए मदद करते हैं। और सिक्स जो है वह है इजी टू डाइजेस्ट। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसके साथ साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर रहते हैं, तो इसके वजह से ये बेबीज़ के लिए और जो कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट है उनके लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। सातवां नंबर जो है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन, जिंक रहने से एक कहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होने से ये रोक देते हैं और इन्फ्लेमेशन का काम करने के लिए मदद करते हैं। एट जो चीज़ है स्ट्रीट स्कार्वी। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी रहते हैं और कैरोटीनेट्स बोल के कंपाउंड रहते हैं जो स्कार्वी को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए मदद करते हैं। नाइन्थ में जो है लोअर ब्लड प्रेशर, ये डाइजेशन को हेल्प करते हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर रहने से हमारा जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाते हैं, और इसमें पोटासियम रहते हैं जो ब्लड सप्लाई करने के लिए मदद करते हैं, तो ये लोअर ब्लड प्रेशर करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जिनका डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ है, उनके लिए ये जो पोटैटो खाना एक हानिकारक होगा। तो डायबिटीज़ के साथ साथ जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है तो वो लोग मतलब पोटैटो मत खाइए। टेंथ और लास्ट जो है ये द कॉन्जेस्टिव प्रोसेस, मतलब
कॉग्निटिव, सॉरी दोस्तों, इट द कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब हमारे O2 सप्लाई को बढ़ाता है। अमीनो एसिड और विटामिन बी रहने से हमारा जो ब्रेन फंक्शन होता है उसका भी बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो शायद ये वीडियो आपका पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।